कक्षा 10वीं हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में भी क्या पढ़ेंगे, संधि। इसके पहले कक्षा में हमने पढ़ा था वाक्य, वाक्य के प्रकार पढ़े थे कि अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्यों का विभाजन। आज देखते हैं हम संधि। संधि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जब आपस में मिल जाती है और इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं, दो शब्द की पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे, हिमालय। हिमालय अब किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हिम धन आलय। यहां आपने परिभाषा में देखा पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, मा, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ये हो गया आ। तो इन दोनों को मिला के एक जो नया शब्द बना या इन दोनों में जो परिवर्तन होकर क्या बन गया, हिमालय। समझ में आया आपको, हिमालय में किसी भी शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनि के मिलने से जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है उसे हिमालय कहते हैं। इसी तरह हम संधि विग्रह या संधि विच्छेद बताएंगे आपको क्या होता है, कि संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह ही करना संधि विच्छेद कहलाता है। कि जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं और उसे परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हिमालय, हमने दो शब्दों को जोड़कर हिमालय बना दिया। अब हिमालय का संधि विच्छेद करना है तो हम इसको तोड़ देंगे, हिमालय शब्द को। ये होगा हिम धन आलय, हिमालय। ये क्या हो गया, संधि विग्रह या संधि विच्छेद। अब है संधि के प्रकार। तो हिंदी व्याकरण में मुख्यतः संधि तीन प्रकार की होती है और बच्चों ये सब आपको पता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं संधि समास। तो संधि तीन प्रकार की होती है, जिन बच्चों को पता होगा मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब देखते हैं यहाँ पर स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और इस मेल से जो बदलाव या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जो तीसरा नया स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखते हैं स्वर संधि के उदाहरण। विद्यालय, अभी आपको पुस्तकालय बताया था उसी तरह विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय।
विद्या घर आलय वा बराबर विद्यालय शब्द बना। तो विद्यालय शब्द में क्या है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो कौन सा स्वर, ये विद्या और ये आलय, इन दो स्वरों के मिलने से कौन सा स्वर बन रहा, ये नया शब्द क्या बन गया, विद्यालय। फिर इसका है श्री, श्रीश, ये कैसे बना, श्रीधर ईश। तो ये श्री और ये मिलके क्या बन गया, श्रीश। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के पांच प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि, फिर दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब है दीर्घ संधि, इसे कहते हैं या दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, जब दो सजातीय स्वर आसपास आते हैं, जब दो सजातीय स्वर पास पास आते हैं और उनसे जो नया स्वर बनता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब दो सजातीय स्वर पास पास आते हैं और उनके पास आने से जो नया स्वर बनता है, जो बदलाव होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसे ह्रस्व संधि भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि को ह्रस्व संधि भी कहते हैं। ह्रस्व संधि भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, धर्मार्थ। धर्मार्थ शब्द बना है बच्चों धर्म धन अर्थ से। इसमें क्या बोले, दो सजातीय स्वर जब आसपास आते हैं तो आपको समझ में आ रहा है, मा यहाँ पे आ गया, बड़ा मा हो गया, ये आधी मात्रा इस धर्मार्थ में मा में लग गई, आपका नया शब्द क्या बन गया, धर्मार्थ। ये आधी मात्रा यहाँ लगने से ये आ समाप्त हो गया और ये नया शब्द धर्मार्थ बन गया। इसी तरह है इसके उदाहरण, गिरीश, रवि धन इंद्र, रविंद्र, मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र, भानु धन उदय, भानुदय। अब है गुण संधि, दूसरी स्वर संधि जो है गुण संधि, जब आ या आ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब आ आ के साथ ई और ई हो, छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है, और जब आ और आ के साथ ऊ और ऊ हो, जब आ और आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है, ये नियम है। और जब आ और आ के साथ री हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। जब आ आ के साथ ई ई मिलती है तो ए शब्द बनता है, और आ आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तब ओ शब्द बनता है, और जब आ आ के साथ री शब्द मिलता है, अक्षर मिलता है, तब अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण है सुरेंद्र, सुरधर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, सुर धन इंद्र बराबर
आते हैं जब आ आके साथ ए और ए होते हैं तब ए शब्द अक्षर बनता है और जब आ आके साथ ओ होते हैं तब औ शब्द बनाते औ अक्षर बनाते हैं उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जब आ के साथ ए हो और तो ए बनता है और आ के साथ ओ और औ हो तो औ बनता है इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप सदा धन एव बराबर कौन सा शब्द बनेगा बच्चों आप लोग बहुत पहले से संधि पढ़ते आ रहे हैं सदैव ये आपका बड़ा आ हो गया और ए हो गए तो कौन सी मात्रा बन गई ये एक ही मात्रा एक ही बन गई सदैव हो गया। इसी तरह हो गया आपका एक एक महोज फिर है यण संधि जब ई ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है जब ई ई अक्षर के साथ या स्वर के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या स्वर बन जाता है और जब छोटा ऊ और बड़े ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां पर वा बन जाता है और जब ऋषि वाले री स्वर के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां पर क्या बन जाता है आ बन जाता है। जैसे कि उदाहरण है इत्यादि इति धन आदि बराबर इत्यादि और परिधन आवरण बराबर पर्यावरण अब है पांचवी संधि अयादि संधि जब स्वर ए ए और ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए ऐ में और ए आय में ओ औ में और औ आव में या जा बन जाता है या और वा से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है लेकिन अगर इसको कोई विच्छेद ना कर पाता हो तो विच्छेद के बाद वाले भाग को वैसा ही लिखना होगा उसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण है अयादि संधि के ने धन अन इससे क्या बना न य न आपने भी देखा ए औ ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो किस में बदल जाता है ए में तो ये ए में बदल गया तो शब्द बन गया नयन। इसी तरह है नौ धन एक इसका बन गया नाविक अब आते हैं व्यंजन संधि कि जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाया जाए और उससे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं कि जब व्यंजन को व्यंजन के साथ या व्यंजन को मिलाने से जो बदलाव या नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के उदाहरण देखते हैं सत्व धन जन बराबर सज्जन सत धन जन बराबर सज्जन और जगत धन नाथ बराबर जगत जगन नाथ
जगन्नाथ। ये ऐसे शब्दों के उदाहरण है जो आपको बच्चों आते ही है परीक्षा में, ये बहुत कॉमन शब्द है, प्राय आते हैं। और आप व्यंजन शक्ति के आप कैसे पहचानेंगे, जहां पर शब्दों में ये व्यंजन लगा हो इस तरह का, वहां पर व्यंजन संधि होगी। ये व्यंजन संधि का चिन्ह है। जैसे अपन लिख रहे हैं सत, सत लिखा और इधर हमने ये हलंत लगाया या व्यंजन लगाया, तो आप समझ जाइए ये चिन्ह देख के कि ये व्यंजन संधि ही है। अब है विसर्ग संधि। कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए और उसमें जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द प्राप्त होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि पहचानने के लिए आपको ये दो, आपने जहां पे ये दो बिंदु देखे समझ जाइए यह विसर्ग संधि है। जैसे ये है आपका निधन अक्षर, तो इससे नया शब्द क्या बन जाएगा, क्या परिवर्तन हुआ इसमें, कि जब विसर्ग के बाद यहाँ स्वर या व्यंजन आ गया तो उससे क्या बन, नया शब्द या परिवर्तन हुआ, निरक्षर बन गया। ये है आपके विसर्ग संधि की पहचान, कि किसी भी शब्द के बाद अगर आपको ये दो विसर्ग लगे दिखे तो आप समझ जाइए कि यह विसर्ग संधि है। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। अब मना धन कूल बराबर मनोनुकूल। फिर से बता रहे बच्चों, व्यंजन संधि की जो पहचान है वह है व्यंजन जो किसी भी शब्द के नीचे ऐसा लगा दिखेगा आपको, और विसर्ग संधि की पहचान है ये दो डॉट जो किसी भी शब्द के बाद में आपको दिखते हैं, तो आप उसको आसानी से पहचान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। और आप इसको वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और सुनेंगे, और अगर आप अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट करेंगे और बच्चों याद करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, आपके पास समय कम है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे।